ठीक है क्यों? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान साहब अपने ऑफिशियल पेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त 9 नंबर के करीब मेट्रो स्टेशन के पास एक पार्क के करीब मैं मौजूद हूँ। ये एक आपके लिए मैसेज भी है और अदारों के लिए ख़बर भी है। शायद ये ख़बर तो उन्हें बड़ी अच्छे तरीके से उन्हें मालूम भी है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ करीब में ही मुबैना तौर पर जिस्म फरोशी करने वाले कुछ लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिनमें ख़वातीन की कुछ ख़वातीन और कुछ उनके साथ जो लोग होते हैं। तो बदकिस्मती के साथ यहाँ पर नौजवान तबका आपको रात के वक्त नज़र आता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने इकट्ठी भी की और उनको उनके ऊपर मतलब ख़ुद से उनके साथ मुलाकात भी की। तो बदकिस्मती के साथ ये जिस्म फरोशी का काम करते हैं, और ये जिस जब आपके साथ डील करते हैं या आपको अपनी जगह पर लेकर जाते हैं तो फिर आपकी वहाँ पर जाकर लूट मार भी करते हैं। तो उन तमाम नौजवानों को भी और अक्लमंद लोगों को से भी गुजारिश है, एहतियात करें। एक तो आप अपने साथ HIV एड्स लेकर आते हैं, और ये इतनी ख़तरनाक और गंदी बीमारी है कि जो आपके साथ आपके घर वालों की ज़िंदगी भी बर्बाद करता है, क्योंकि ये एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल होता है और ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एहतियात करें, और अदारों से भी गुजारिश है कि रात के वक्त यहाँ पर बिलिंग्स हो रही होती हैं, आपके अहलकार और जगहों पर भी तो नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ रात पर बैठी हुई ख़वातीन से भी आप पूछ सकते हैं, आपकी ख़वातीन अहलकार भी पूछ सकती हैं कि आखिरकार ये सब कुछ यहाँ पर क्यों हो रहा है। इसके ऊपर नज़र करने वाला कोई नहीं है। बदकिस्मती के साथ क्राइम इतना बढ़ चुका है, मुल्तान को भी अब किसी की नज़र लग चुकी है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए। ये जो लूट मार होती है और आप बाद में कहते हैं कि हमारे साथ ये मामला हो गया, तो उसमें 50% जो काम है ये आपका खुद किया हुआ होता है। एहतियात कीजिए और अपनों का भी।